गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी चैप्टर नंबर थर्ड इज गोइंग ऑन एंड वी आर लर्निंग द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. यस्टरडे वी लर्न द व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स. सी इफ 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, देन 5 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर एंड 10 इज द मल्टीपल. लाइक दैट आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, द एनी नंबर वी कैन मल्टीप्लाई इन टर्म्स ऑफ द टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, देन द टू नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड दीज आर दिस इज कॉल्ड मल्टीपल. कैमेरा थोड़ा मी इकडे सरको का नहीं तसे हा पार्ट दिसतो, इथून पुढे दिसतोय. हां चालेल चालेल, थोडासा इकडे असतो का. ओके, द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. वी आर गोइंग टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स नाउ सी इफ यू गो इन द टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स. नाउ see I am having the number 2 and 2 can be expressed as 2 into 1, then this 2 is the factor of 2, this 1 is the factor of 2. Now every number can be expressed as the multiplication of the number itself and 1, so every time 1 is the factor of every number. Now if I am taking 57, then I can write 57 into 1, aise express kar pati hu. If I am taking 13, I can express 13 into 1. So 1 is the factor of every number. 1 is the factor of each and every number. So humko compulsorily, now the number itself is the factor of the number. Khud bhi khud ka factor hai. What is the definition of factor? Ki agar ye number hum multiplication mein express kar paate, to this two both the number are called the factors. So number itself is the factor. 1 is the factor. For each and every number, number itself is a factor. One is the factor of every number. Number itself is a factor of every number. So, ये दो properties हमारे पास हो गई है. Now, see, if I am having the number 8, then 8 के लिए how to find factor? See, I can express 1 into 8. I can express is 2 into 4. I can express it हो गए. अब और नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो 1, 2, 4, 8 दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ 8. 1, 1, 2, 4, 8 दी चारों इसके फैक्टर्स है. नाउ यू कैन सी द स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1 एंड द बिगेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ. अब इफ एनी नंबर यू आर टेकिंग, द स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 1 एंड द बिगेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ. नाउ वी विल ट्राई सम अदर नंबर. इफ यू आर टेकिंग द नंबर 12, now we want to find out the factors of 12, तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन में ऐसे एक्सप्रेस करोगे, 1 into 12 लिखोगे, या तो 2 6 जा 12 लिखोगे, या तो 3 4 जा 12 लिखोगे, और कोई भी ऐसे एक्सप्रेस कर पाते हो नहीं. अगर हम करेंगे तो ये रिपीट हो जाएंगे यही. तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 12 के फैक्टर्स है 1 है 2 है 3 है, देन 4 भी है, 5 6 भी है और 12 भी है. 4 है 6 है 12 है. तो whenever we are dealing with factors, the smallest factor is 1 and the biggest factor is the number itself. A number is the biggest factor of itself and the 1 is the smallest factor of the number. Aur ye beech mein ke, these are the only factors of the number. To ye ho gayi some of the properties. To abhi aur humko dekhna hai ki, now check this number. Now if we are seeing all these factors, this factor is smaller than the number. Factor is smaller than the number. Factor is smaller than the number. This factor is smaller than the number. Factor is smaller than the number. Factor is equal to number. तो factors जो भी रहेंगे वो या तो smaller रहेंगे या तो equal रहेंगे. Number से बड़ा factor होता नहीं. Given number से बड़ा कोई भी factor होता नहीं. वो या तो छोटे रहेंगे या तो equal to रहेंगे. Then factor is always equal to और स्मॉलर देन द गिवन नंबर. ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई. तो देखो हमने कितने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, कितनी प्रॉपर्टी आपको पता हो गई. देखो मैं लिख रही हूँ अभी प्रॉपर्टी नंबर 1,
वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर वन. नाउ आपको पता है कि हर नंबर को हम वन इंटू ऐसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और एक चीज सीखे हम सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर टू, वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर, वन इज स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर. देखो कोई भी नंबर का सबसे छोटा वाला फैक्टर जो होता है वो होता है वन. तो चलो प्रॉपर्टी दो हो गई, वन हर नंबर का फैक्टर होता है, वन स्मॉलेस्ट फैक्टर भी होता है. नाउ प्रॉपर्टी नंबर थ्री हम देखेंगे, अ नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, अ नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. देखो एवरी नंबर खुद का फैक्टर होता है, क्योंकि अगर मैंने फाइव को लिखा तो आई कैन एक्सप्रेस वन इंटू फाइव, जैसे ही एक्सप्रेस कर दिया ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है. तो हर नंबर खुद का फैक्टर है, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर थ्री. इफ आई एम टेकिंग सिक्स, आई कैन एक्सप्रेस इज वन इंटू सिक्स, वन सिक्स या सिक्स ऐसे लिख सकते हैं. तो जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस किया तो वन भी फैक्टर हो गया और सिक्स भी फैक्टर हो गया. दिस इज द गिवन नंबर, ये नंबर का वन भी फैक्टर है, सिक्स भी फैक्टर है. तो हर नंबर के लिए अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, नंबर इज अ. नाउ प्रॉपर्टी नंबर फोर है हमारे पास यहाँ पे गिवन, अ नंबर इटसेल्फ इज अ ग्रेटेस्ट फैक्टर, ये भी पढ़े हम. अ नंबर आई विल राइट दिस, अ नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर. देखो आपको ये भी पढ़ा था, जैसे फोर के हमने फैक्टर्स ढूंढे तो वन फोर का फैक्टर है, टू भी है, फोर भी है. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर इज वन एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर इज फोर. तो जैसे हम इसके फैक्टर देखने जाते हैं तो सबसे बड़ा वाला नंबर इटसेल्फ होता है. अगर आप सिक्स के देखो तो वन इज द फैक्टर ऑफ सिक्स, टू इज द फैक्टर ऑफ सिक्स, थ्री इज द फैक्टर ऑफ सिक्स, देन सिक्स इज द फैक्टर ऑफ सिक्स. सिक्स से बड़ा कोई भी नंबर सिक्स का फैक्टर नहीं है. तो फैक्टर हमेशा इक्वल टू होता है या तो लेस. तो सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है दैट इज द नंबर इटसेल्फ. सिक्स का सबसे बड़ा फैक्टर सिक्स ही है, सिक्स का सबसे छोटा फैक्टर वन है. दिस इज द थिंग. देन प्रॉपर्टी नंबर फाइव, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43 पे सारी प्रॉपर्टीज है. देखो ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अ फैक्टर इज स्मॉलर और इक्वल टू, जिसे 12 के फैक्टर है, वन टू थ्री सिक्स और 12, फोर भी था शायद, फोर भी है और सिक्स भी है. तो जो भी फैक्टर है, वन इज द फैक्टर स्मॉलर देन 12, टू इज द फैक्टर स्मॉलर देन 12, थ्री इज द फैक्टर स्मॉलर देन 12, फोर स्मॉलर, सिक्स स्मॉलर इज इक्वल टू. या तो फैक्टर जो भी होता है, फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. या तो छोटा होता है या तो इक्वल होता है, नंबर से बड़ा फैक्टर होता नहीं, नंबर से कोई भी बड़ा फैक्टर होता नहीं. एंड देन लास्ट, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट टू फैक्टर. अगर नंबर कोई भी हो, देखो किसी नंबर को बहुत फैक्टर है, किसी नंबर को फैक्टर है ही नहीं. नाउ प्रॉब्लम नंबर सी देखो, सिक्स देखो, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स देखो, जैसे नंबर टू है इसका वन फैक्टर है, टू फैक्टर है, थ्री है इसका वन भी है, थ्री भी है. फोर देखो इसको वन फैक्टर है, टू फैक्टर है, फोर फैक्टर है. अभी सिक्स देखो इसको वन भी फैक्टर है, टू भी है, थ्री भी है और सिक्स भी है. तो देखो कोई भी नंबर हो उसे एटलीस्ट दो फैक्टर होते हैं, एंड दैट टू फैक्टर्स आर एक तो स्मॉलेस्ट फैक्टर और एक बिगेस्ट फैक्टर. तो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वन और बिगेस्ट फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ. अभी सिक्स के लिए देखो, स्मॉलेस्ट फैक्टर वन, बिगेस्ट फैक्टर सिक्स. तो किसी भी नंबर को कम से कम दो फैक्टर होते ही है, एक है वन द स्मॉलेस्ट फैक्टर, सेकेंड है द नंबर इटसेल्फ. तो दिस इज अवर प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, कि एटलीस्ट दो फैक्टर्स रहेंगे ही रहेंगे. एंड विद दिस प्रॉपर्टी नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एनरिचमेंट एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स. सी पेज नंबर 44, आप सबने देखा है पेज नंबर 44 पे एनरिचमेंट एक्टिविटी दिख रही है हमको.
एनरिचमेंट एक्टिविटी में फर्स्ट है डैश इज द वेक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स। पढ़ रही हूँ मैं ये पहला, डैश इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। नाउ आप पढ़े प्रॉपर्टी में, सबका फैक्टर को 4 होता है, डैश इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, जितने चाहे नंबर हो सबका कॉमन फैक्टर 4 है। रिमेंबर द आंसर इज 1, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, हर नंबर का फैक्टर है 1, आप कितना भी बड़ा लो या छोटा नंबर लो हर किसका फैक्टर है 1। देन सेकेंड है 2 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, 2 कौन से नंबर का फैक्टर से, यू हैव टू राइट इवन नंबर्स, 2 सारे इवन नंबर्स का फैक्टर 2 है, जो भी इवन नंबर्स है दे आर डिविजिबल बाय 2, सो 2 इज द फैक्टर ऑफ ऑल इवन नंबर्स। आई एम राइटिंग ओनली द आंसर्स, दिस प्रॉब्लम यू हैव टू रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपका पेज नंबर 44 खोल के रखो, देखो उसमें थर्ड वन, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 14 इज, 14 का सबसे छोटा फैक्टर बताओ। देखो सोचने की जरूरत है क्या, हम प्रॉपर्टी में पढ़े हैं सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का होता है 1, स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है ऑलवेज 1, नंबर कोई भी रहे, अगर 256 का भी स्मॉलेस्ट पूछा तो 1, 1 का भी स्मॉलेस्ट पूछा तो भी 1, हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर हम लिखेंगे 1। देन 4 हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, 6 इज द फैक्टर ऑफ 18, तो 18 कैन बी डिवाइडेड बाय डैश एग्जैक्टली, अगर 6 18 का फैक्टर है तो 18 6 से डिवाइड होगा, यस 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 6, अगर 6 18 का फैक्टर है तो 18 कैन बी डिविजिबल बाय 6। देन फिफ्थ वन सी, ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट कितने फैक्टर्स, 1 को छोड़ के सबको कितने फैक्टर्स है, एटलीस्ट कितने, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स है, आपको पता है 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ, आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ाई थी कि 1 और नंबर इटसेल्फ एटलीस्ट 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं सारे नंबर्स को, तो हमको आंसर लिखना है 2। यस राइट दिस इन योर टेक्स्ट बुक में ही लिखना है ये सारे आंसर, आपके टेक्स्ट बुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, बी में लिखा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, चलो वो वाला पार्ट भी कर लेंगे हम यहीं पे, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द फैक्टर्स, ये नोटबुक में करना है आपको। प्रॉब्लम नंबर 1 हियर इज गिवन 18, अभी ये पूछ रहे 18 के सारे फैक्टर्स बनाओ बताओ, हाउ वी विल फाइंड, व्हाट आई विल डू कि 18 को हम एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, 1 हाउ मेनी इज 18, 1 18 इज 18, ओके 2 के टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में आता है, 2 हाउ मेनी इज 18, 2 9 जा, 3 के टेबल में भी आता है यस, तो 3 6 जा, 4 के टेबल में आता है नो, 5 के टेबल में आता है नो, 6 के टेबल में आता है नहीं, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है, तो ये 9 2 जा हो जाएगा, नाउ रिपीट हो जाएगा ये पार्ट यहाँ पे रिपीट हो गया, तो आई विल रब दिस एंड दिस हियर ओनली आई विल स्टॉप, एंड फैक्टर्स ऑफ 18 आर नाउ 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 और 18, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18, तो यहाँ इसलिए लिखूंगी मैं ऐसे लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 1 2 3 6 9 एंड 18, आप समझ रहे हैं मेथड, समझ रहे हैं हमने इसको ऐसे कौन कौन से टेबल में आता है तो उसको मल्टीप्लाई में एक्सप्रेस किया, रिपीट हो जब होने लगा तो स्टॉप हो गए, और फिर ये सारे नंबर हमने लिख दिए एक साथ, तो दे आर द फैक्टर्स ऑफ 18। नाउ ये छोड़ के 18 को दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं है, 18 के लिए 1 फैक्टर है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18, ये छोड़ के दूसरे कोई भी नंबर 18 के फैक्टर नहीं है। ऐसा ही देखो हम करेंगे सेकंड 28 वाला, 28 एक्सप्रेस दिस, इसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं 1 into 28, फिर 2 14 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 3 के टेबल में 28 नहीं आता,
फिर फोर के टेबल में आता है 4 7 जा, फिर 7 के टेबल में आएगा 7 4 जा, चलो रिपीट हो गया तो स्टॉप। तो फैक्टर्स ऑफ 28 कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 28 तो ये ऐसे लिखेंगे हम, वन टू फोर, वन टू फोर इन 7 14 28, 7 14 28, तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 28। आपको ऐसे ऐसे मेथड से ही ढूंढने हैं ये सारे फैक्टर्स। नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 3 4 5 होमवर्क, यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ। आपको करना है ये ऐसे करके देखो और ढूंढो कौन कौन से नंबर से इसके फैक्टर्स। प्रॉब्लम नंबर बी में के 3 4 5, ये 3 है आपके लिए होमवर्क। और उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स में हम ये देखते हैं कि गिवन नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या, 3 से डिवाइड होता है क्या, 4 से डिवाइड होता है क्या। तो फॉर नंबर 2 के लिए जो रूल है, नंबर 2 के लिए जो रूल है, दैट आई एम गोइंग टू 2 से डिवाइड होने के लिए, इफ यूनिट प्लेस, इफ यूनिट प्लेस हैव द डिजिट, जीरो या टू या फोर या सिक्स और एट, अगर ये 5 में से कोई भी एक डिजिट यूनिट प्लेस पे है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। 5 में से कोई भी, नाउ चेक, अगर मेरे पास 10 है, लास्ट में 0 है, ये 2 से डिवाइड होता है क्या? यस, 2 5 10 डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 होनी चाहिए। रिमाइंडर अगर 1 रही और आपने डिवाइड किया तो उसको डिविजिबल नहीं बोलते। When we are saying divisible, when the remainder get zero. अगर आपके पास अगर ऐसा नंबर है कि लास्ट में 2 है, चलो 2 से डिवाइड करके देखो, 2 6 12, तो भी ये रिमाइंडर 0 आ जाती है। अगर आपके पास 14 है, 2 है, 2 7 14 0 आ जाती है। अगर 6 है तो भी 2 8 16, ऐसे हम डिवाइड कर पाएंगे, रिमाइंडर 0 आएगी। अगर 9 8 है तो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। रूल इज दैट कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या तो 8 है, पांचों में से कोई भी एक डिजिट यूनिट प्लेस पे है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नॉट। नाउ जस्ट यू कैन इमेजिन एंड टेक द अदर डिजिट। सपोज हमने 3 ले लिया तो 2 से डिवाइड करें, 2 6 12, रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अगर डिजिट 3 रहा तो नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर डिजिट 5 ले लिया, 2 से किया, 2 7 14, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आपको हाउ टू लर्न दिस कि कोई भी इवन डिजिट यूनिट प्लेस पे है, इवन डिजिट यूनिट प्लेस पे है, 0 या 2 या 4 या 6 या 8, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। वो 2 से डिवाइड होता ही है, मतलब रिमाइंडर 0 आती है। दिस इज द केस। एंड नाउ रिमेनिंग पार्ट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट पेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।